हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे मोबाइल पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है। सो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोल के टाइप कर दीजिए, पावर पॉइंट। सो यहाँ पे देखिए, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। सो आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग इट, यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन। सो ओपन में क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन। यहाँ पे आप लोग प्लस साइन दिख रहा है अपर राइट साइड, सो इस प्लस साइन में आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे क्रिएटिन, क्रिएटिन मीन्स आप लोग कौन सा ड्राइव में इसको सेव करना चाहते हैं। सो आप लोग दिस डिवाइस बोल के है, मतलब आप लोग मोबाइल का जो डिवाइस का जो लोकेशन है वहाँ पे सेव कर सकते हैं, और सिलेक्ट इन डिफरेंट लोकेशन, आप लोग दूसरा लोकेशन भी में भी इसको सेव कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ जो ऑलरेडी मेरा है वन ड्राइव बोल के। सो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू, मतलब आप लोग अभी जो भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो उस जो आप लोग सेव करेंगे उस डिवाइस में इसको सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू चूज एनी वन फ्रॉम दिस टेम्पलेट, ओके। सो मैं इसको चूज कर लेती हूँ, ठीक है। सी हियर, सी दिस टेम्पलेट। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये मेरा पहला वाला स्लाइड है, ठीक है। ये डिज़ाइन है, पहला वाला स्लाइड है। सो आप लोग ऐसे बहुत सारा स्लाइड इस पर ऐड कर सकते हैं। सो इसको ऐड करने के लिए आप लोग देखिए, यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है इस स्लाइड के बाद, इस प्लस में आप लोग क्लिक कीजिए। देखिए दूसरा स्लाइड यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड के लिए फिर से यहाँ पे प्लस वाला साइन में आप लोग क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों से यहाँ पे फर्स्ट में मैं गई तो आप लोग इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को ये वाला अच्छा नहीं लगा, आप लोग दूसरा कुछ मतलब टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा वाला आप लोग डिज़ाइन चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिए, जस्ट आप लोग सी यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको लेआउट में आप लोग को क्लिक करना है। सो लेआउट में क्लिक करने के बाद आप लोगों से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो मैं पहले वाला ये मुझको ठीक लगा तो मैं इसको ही रखती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ डबल टैप करने के बाद आप लोग इस पर टाइप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ JNB World बोल के, मेरा चैनल का नेम JNB World, ठीक है। ये मेरा पहला वाला स्लाइड है, ठीक है। सो इसमें मैं वेलकम दे देती हूँ, वेलकम वेलकम टू, ठीक है। ये वाला पहला वाला स्लाइड है। सेकंड वाला स्लाइड में आप दूसरा कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट से आप लोग इसमें फ़ोटो ऐड करना चाहे तो फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, मतलब आप लोग ये यहाँ पे जाइए, ये वाला साइड में आप लोग जो जो मतलब आप लोगों को चाहिए तो वो वाला आ जाएगा। सी आप लोग फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, आपका फॉन्ट अगर आप लोगों को बोल्ड में चाहिए तो आप लोग बोल्ड सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ माय फर्स्ट स्लाइड बोल के, माय फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड मैंने कर लिया, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको पहले सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये में मतलब यहाँ पे देखिए फॉन्ट वाला बहुत सारा कलर है, आप लोग यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। देन आप लोग यहाँ पे बुलेट एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या लेआउट एंटर कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे कुछ पिक्चर वाला आप लोग दे सकते हैं, आप लोग न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा लेआउट चेंज कर देती हूँ, उससे मेरा लेआउट ये वाला चाहिए, ठीक है। इस पर आप कुछ दे दीजिए यहाँ पे PPT स्लाइड, मतलब आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आफ्टर गिविंग दिस यहाँ पे आप थ्री डॉट में जाइए,
आप लोग न्यूज़लेटर यहाँ पे से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सी आप लोग शेयर दूसरों का, अगर आप लोग ये प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहते हैं सेव करने के बाद, आप लोग ऐसे शेयर कर सकते हैं। आप इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट सेव एस कर सकते हैं, देन आप इससे प्रिंट भी कर सकते हैं। सो आप लोग कैसे, मतलब ये सब आप लोग मोबाइल पे अगर कुछ असाइनमेंट और कुछ प्रोजेक्ट कुछ है, आप मोबाइल पे ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका अभी ये जो प्रेजेंटेशन है आपका, जो स्लाइड शो कैसे ये व्यू होगा, सो उसके लिए आप लोग यहाँ पे जाइए, एक अपर मोस्ट ये कॉर्नर पे जो ट्रायंगल टाइप का जो शेप है उसमें आप लोग इसको क्लिक कीजिए। सो क्लिक करने के बाद सी ऐसा टाइप का आपका शो होगा। इस थर्ड स्लाइड है, ठीक है, ये सेकंड स्लाइड है, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड, देन सेकंड स्लाइड, देन थर्ड स्लाइड। मैंने कुछ बनाया नहीं है, सो ये ऐसे करके मतलब ये आया। आप लोगों को तो मतलब ठीक से बनाना है तो आप लोग ऐसे, तो आप लोग ऐसे करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको इस अभी एग्जिट करने के लिए जस्ट इसको बैक कीजिए, वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट आप लोगों को सेव करना है तो ये राइट साइड में दीजिए, मतलब क्लिक कीजिए, वो सेव हो जाएगा। नाउ यू कैन शेयर इट टू एनी वन, यू कैन शेयर दिस फोल्डर टू एनी वन, यू कैन प्रिंट दिस फोल्डर, यू कैन गिव द स्लाइड शो टू गिव द प्रेजेंटेशन टू एनी वन। सो दिस इज द वे आप लोग कुछ भी प्रेजेंटेशन मोबाइल पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।